हमारे लिए जो फैसलों करने का मयार है वो कुरान सुन्नत है, तो उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से स्टेट बैंक गवर्नर साहब की मशावरत से मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेजी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें और माजी से भी तेज रफ्तारी के साथ इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस बहुत बड़े एक फैसला जो आज हुआ है उसके हवाले से अल्लाह ताला हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं और हमारी मदद फरमाएं ताकि हम पाकिस्तान में ये सूद से पाक इस्लामी निज़ाम को तेजी के साथ आगे लेके चले। इसमें बहुत चैलेंजेस हैं और तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है और जो 75 साल से जो अमल दरामद हो रहे हैं ये जाहिर है कि एकदम से उसके ऊपर कोई यानी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये फैसला किया है कि हुकूमत की तरफ से जो दो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें की गई हैं वो आइंदा चंद दिनों में वो विड्रॉ कर ली जाएंगी, उसको वापस ले लिया जाएगा और अल्लाह ताला के भरोसे पे ये अदारे काम करेंगे कि हम इस जो टाइम दिया गया है इसमें पाकिस्तान को उस सिमत लेके जाएं जो कि सूद से पाक एक बैंकिंग निज़ाम हो।